आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे द प्रॉफिट मॉडल। ये जो प्रॉफिट मॉडल है ये बिल्कुल लॉजिट मॉडल का अल्टरनेटिव। हम इसे लॉजिट की तरह यूज करते हैं, लॉजिट की जगह यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें भी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो बाइनरी होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम 0 और 1 लिखते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल की दो ही जो है वो ऑप्शन होती है। अच्छा, लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी, जैसे स्मोकिंग है, अगर हम डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि कौन कौन से डिटरमिनेंट है स्मोकिंग के, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं कि एक आदमी स्मोकर है या नहीं है, तो हम उस पर फिर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो लेते हैं स्मोकर और नॉन स्मोकर। जो स्मोकर है उसके लिए 1 लिखेंगे, जो नॉन स्मोकर है उसके लिए 0 लिखेंगे। अच्छा, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, लेकिन हम ज़्यादातर क्या करते हैं, स्मोकर के लिए 1 लिखते हैं और नॉन स्मोकर के लिए 0 लिखते हैं। अच्छा, जो प्रॉफिट मॉडल है वो अल्टरनेटिव है लॉजिट का। ठीक, अल्टरनेटिव टू लॉजिट, एक तो ये। दूसरा इसमें क्यूम्युलेटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसे यूज किया जाता है। अच्छा, ये ज्यादा सूटेबल है इकोनॉमिक्स में, ये ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि ज़्यादातर जो इकोनॉमिक वेरिएबल हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। वो किसको फॉलो करते हैं, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मोर सूटेबल बिकॉज इकोनॉमिक वेरिएबल्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, इस वजह से जी ज्यादातर इकोनॉमिक्स में, जो इकोनॉमिक्स है उसमें हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉफिट मॉडल। ठीक है, अच्छा अब हम इसे ड्राइव करते हैं कि प्रॉफिट मॉडल को कैसे ड्राइव किया जाता है। सपोज करते हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो फंक्शन है एक्स वेरिएबल्स का, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, v1 प्लस v2 x2i प्लस v3 beta3 x3i, इसे सो ऑन करते हैं प्लस बीटा के एक्स के आई, और इसके साथ हम लिखते हैं प्लस म्यू एरेटर। अच्छा, अब ये जो है DI, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। सपोज करते हैं ये DI जो है ये है लेबर पार्टिसिपेशन। कोई लेबर पार्टिसिपेशन डिपेंड्स ऑन डिफरेंट वेरिएबल्स। अब हम कहते हैं, सपोज करें ये जो लेबर पार्टिसिपेशन है इट फर्दर डिपेंड्स ऑन अदर अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल GI। ठीक है, एक ऐसे वेरिएबल पे DI डिपेंड कर रहा है ये लेबर पार्टिसिपेशन, जो GI है, जो अनऑब्जर्व्ड है। ठीक है, जो अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल है तो हम लिखेंगे वो अनऑब्जर्व्ड जो वेरिएबल है वो है GI, और उसको हम लिखते हैं GI इज फंक्शन इज
फंक्शन ऑफ बीटा वन बीटा टू एक्स टू वाई प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री आई प्लस सो बीटा के एक्स के आई, तो ये जी आई है, ठीक है। अच्छा, और जो पी आई है, जो ये जो डी आई और पी आई सेम है, पी आई जो है डेट इज फंक्शन ऑफ जी आई, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, जो जी आई है, ये जो सारा है, ये वाला एफ फंक्शन ऑफ जी आई, ये है, इट कम्स फ्रॉम नॉर्मल क्यूम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन, नॉर्मल क्यूम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन, ये इट कम्स फ्रॉम नॉर्मल क्यूम्युलेटिव क्यूम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन। और वो क्या है, उसे कैसे लिखते हैं, उसे हम लिखते हैं, इसको आप देखिएगा, इसको हम लिखेंगे इस फॉर्म में, एफ जी आई, एफ जी आई इज इक्वल टू वन ओवर टू पाई इंटीग्रल जी आई, और बेस जो है वो क्या होगी, वो होगी माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, और उसके साथ होगा एक्सपोनेंट माइनस जी स्क्वायर ओवर टू डी जी। ये है जो एफ जो नॉर्मल क्यूम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन है। अब हम इससे ये जो पूरा है, अगर हम देखें कि पी आई जो है वो फंक्शन जी आई का है, तो जी आई क्या है, तो जी आई क्या होगा, देखिएगा, अगर ये है तो जी आई क्या होगा, जी आई होगा इनवर्स फंक्शन ऑफ पी आई, इनवर्स फंक्शन ऑफ पी आई, ठीक है। अब मैं इसे ऊपर लिखने लगा हूं, जो पी आई है वो फंक्शन है जी आई का, तो जी आई क्या होगा, जी आई होगा इनवर्स ऑफ पी आई, और जो मैंने अभी आपको बताया किसके इक्वल है, ये इक्वल है बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स टू वाई प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री आई, इसको सोन करते हैं, प्लस बीटा के एक्स के आई, ठीक है। ये आपका आ गया जी आई, और इसको ही बोलते हैं, इस सारे फंक्शन को हम बोलते हैं प्रॉबिट मॉडल, इस सारे फंक्शन को क्या बोलते हैं, प्रॉबिट मॉडल, ये है हमारा प्रॉबिट मॉडल। अब दोबारा का डी आई जो है वो डिपेंड कर रहा है किसी अनऑब्जर्व वेरिएबल, जिसे हमने जी आई का, जी आई जो है वो इनवर्स है पी आई का, ठीक है, और उसको हमने ऐसे लिखा, जब ऐसे लिखते हैं तो हम कहते हैं कि दिस इज द प्रॉबिट मॉडल, ठीक। अब इसकी ये है, यहाँ तक इसकी डेरिवेशन है, अब यहाँ तक इसकी क्या है, डेरिवेशन, अब ये बिल्कुल वैसे ही है,
कि इसके जो बीटाज हैं हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बीटा जो कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट मॉडल के, वो करते हैं मैक्सिमम लाइकलीहुड मेथड। आपको मैं पहले बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, इसमें मैक्सिमम एमएलई मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन लगते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें जो मार्जिनल इफेक्ट होते हैं हम निकालते हैं मार्जिनल इफेक्ट। जो मार्जिनल इफेक्ट है वो कैसे निकलता है, देखिए मार्जिनल इफेक्ट क्या है, चेंज इन पीआई ओवर चेंज इन एक्सएल, ये है मार्जिनल इफेक्ट, ठीक है जी। अब जो इसको हम निकालेंगे, देखिएगा चेंज इन पी ओवर, ये डायरेक्ट चेंज है, जबकि हम जानते हैं पी डिपेंड करता है जी पे, जी डिपेंड करता है एक्स पे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, चेन रूल लगेगा, चेंज इन पी ड्यू टू चेंज इन जी, चेंज इन जी ड्यू टू चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स, तो ये क्या है, ये आई है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, अब ये क्या है, ये चेंज इन, और ये क्या है, देखिए इसको जब हम रिप्लेस करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एफ, ये किसके इक्वल होगा, इनवर्स फंक्शन ऑफ जी, इनवर्स फंक्शन ऑफ जी, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा बीटा, ये किसके इक्वल होगा, बीटा, ठीक है। अब यहां तक ये मार्जिनल इफेक्ट हम ऐसे निकालते हैं। अब ये जो एफ इनवर्स जी है, इसका जो एफ इनवर्स जी है ये क्या है, ये नॉर्मल, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिएगा ये, इसको मैं ले ताकि आपको पता लग जाए कि ये निकालना, ये क्या है एफ इनवर्स जी, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां मैं लिख देता हूं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। ये इसको जब मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा वन ओवर टू पाई एक्सपोनेंट, वन ओवर टू पाई एक्सपोनेंट माइनस जी स्क्वायर ओवर टू, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक। अब हम जो मार्जिनल इफेक्ट निकालेंगे, पहले आप देखिएगा मार्जिनल इफेक्ट में हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे जी, कैलकुलेट जी, जी जब कैलकुलेट करेंगे फिर हम कैलकुलेट करेंगे देन कैलकुलेट कैलकुलेट इनवर्स ऑफ जी, ठीक है। अब जब ये आ जाएगा हमें तो देन मल्टीप्लाई एफ, ये जो निकलेगा विथ बीटा विथ बी एल, तो ये जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो हमारा मार्जिनल इफेक्ट होगा, वो हमारा मार्जिनल इफेक्ट होगा, अच्छा। अब यहां तक हो गया मार्जिनल इफेक्ट, ये मैं इंटरप्रिटेशन करवा रहा हूं, पहले मैंने आपको डेरिवेशन करवाई, फिर मैंने आप, अब मैं आपको इंटरप्रिटेशन करवा रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन में क्या क्या है, मार्जिनल इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा गुडनेस टू फिट,
ओवरऑल गुडनेस टू फिट, ओवरऑल ओवरऑल गुडनेस टू फिट। ये बिल्कुल हम लोगों ने आपको लास्ट टाइम जो लॉजिट की तरह था, लॉजिट में मैंने बताया था कि आर स्क्वायर जो है वो सूटेबल नहीं, तो फिर क्या लगता था, फिर लगता था सोडो, सोडो आर स्क्वायर। सोडो आर स्क्वायर निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि हम पहले रिस्ट्रिक्शन के साथ निकालते हैं, फिर विदाउट रिस्ट्रिक्शन निकालते हैं मॉडल, और उसका जो फार्मूला था सोडो आर स्क्वायर का, वो किसके इक्वल था, वो था वन माइनस, पहले लॉजिक था, यहाँ क्या करेंगे, प्रॉफिट अनरिस्ट्रिक्टेड, प्रॉफिट रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। अच्छा जी, रिस्ट्रिक्टेड मॉडल निकालते थे, फिर अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल निकालते थे। रिस्ट्रिक्टेड मॉडल क्या था, ये आप मेरे लास्ट लेक्चर में देखिएगा, रिस्ट्रिक्टेड मॉडल क्या था, जिसमें सारे बीटाज एक दूसरे के इक्वल थे, और अनरिस्ट्रिक्टेड क्या था जो हमने अभी यूज किया। तो ये है आपका सोडो आर स्क्वायर, ये बिल्कुल वैसी है जैसे लॉजिक में, और इसकी वैल्यू भी क्या होती है, जीरो और वन के दरमियान होती है, ठीक है। वन का मतलब है कंप्लीट फिट, और जीरो का मतलब है कंप्लीट अनफिट, ठीक। तो जो वन के ज्यादा करीब है वो बेहतर है, जो जीरो के ज्यादा करीब है वो नहीं बेहतर। तो ये है हमारा जो प्रॉफिट, ठीक है।